मेरा नाम दीपाली जेरा, दिल से अपने देशवासियों को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा एक ये आग्रह है आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कि हम सब देशवासी मिलकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि हमारी जो इतनी प्यारी भाषा है, जो हम आपस में मिलकर समझते हैं, बोलते हैं और इस भाषा के माध्यम से प्यार झलकता है, उस भाषा को मातृभाषा घोषित करने का आग्रह करें संविधान में। क्योंकि हमारा जो देश है, आपको पता ही, बहुत ही भिन्नताओं का देश है, अलग अलग, चाहे वो खान पान को लेकर देखें, धर्मों के लिहाज से देखें, यहाँ तक कि त्यौहार मनाने की परंपराओं में भी इतनी भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी अनेकता में एकता है। अब आप देखिए होता क्या है, चाहे वो राजभाषा हो या मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, हमारे देश में इन चीज़ों को लेकर अक्सर बहस वाद इस्पात चलता ही रहता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एकजुट होकर बेटिया फाउंडेशन के द्वारा ये आग्रह करें कि इतनी प्यारी हिंदी होते हुए इसको मातृभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, क्यों? तो आज हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं कि हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसको मातृभाषा का दर्जा दिया जाए। तो इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्ति आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है के सूल। मतलब जब मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है, और ना ही अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हमारी जो मन की पीड़ा है वो दूर करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हिंदी अपने आप में एक बहुत प्यार देने वाली भाषा है। जब हम किसी से नमस्कार करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं और हिंदी के द्वारा अपने प्यार को झलकाते हैं, अपनी देश की एकता को झलकाते हैं, तो यही हमारी मातृभाषा होनी चाहिए।